क्या है बेटा? ये क्या है? पेज नंबर 49 चैप्टर 5 हम रीड कर रहे थे कल, उसमें क्या है? यू कैन हैव इनफ कार्बोहाइड्रेट्स। अपने हमें अपनी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं, किससे मिल सकते हैं? ईटिंग व्हीट, अगर हम गेहूं खाते हैं, मेज, मेज मतलब ज्वार खाते हैं, होल ग्रेन ब्रेड खाते हैं, या फिर ब्राउन राइस या पास्ता खाते हैं, अगर हम ये चीजें खाते हैं तो हमें इनफ कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिल सकते हैं। दूसरे हमें कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलते हैं? हैविंग बॉइल्ड पोटैटोस, बॉइल्ड पोटैटोस और रेदर देन चिप्स, हम बॉइल्ड पोटैटोस खाएं चिप्स के अलावा, मतलब चिप्स ना खाएं, चिप्स की बजाय हम क्या खाएं? बॉइल्ड पोटैटोस खाएं। एंड क्योंकि चिप्स क्या होते हैं? फ्राइड होते हैं और वो उसके अंदर बहुत ज्यादा फैट्स होते हैं, तो इसलिए हमें बॉइल्ड पोटैटोस खाने चाहिए। ईटिंग बनानाज और मैंगोज, और बनानाज और मैंगोज हमें खाने चाहिए। ठीक है, तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। Got it now? Okay, just start reading from here. Fats. Fats are also energy-giving foods. बेटा one line आपको explain करूंगी आगे फिर। Fats are also energy-giving foods. Fat क्या होते हैं? Energy-giving food भी होते हैं। Fats को हम energy-giving food भी बोलते हैं क्योंकि उनसे हमें energy मिलती है। ठीक है, आगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट में एनर्जी इनके अंदर होती है। कार्बोहाइड्रेट से कितनी होती है? डबल। अगर कार्बोहाइड्रेट में 20% है तो इसके अंदर 40% एनर्जी होगी। ठीक है, तो उससे डबल होगी, कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी फैट्स के अंदर होती है। नेक्स्ट, बटर ऑयल, घी, चीज, वूल, मिल्क, फैट्स ऑन मीट एंड नट्स एंड रिच सोर्सेस ऑफ फैट। हाँ, बटर ऑयल, घी, चीज। बटर ऑयल आप खाते हो, बटर ब्रेड पे लगा के खाते हो, ऑयल में मम्मी खाना बनाती है, घी आप चपाती पे लगा के खाते हो, चीज मतलब पनीर आप लोग खाते हो, दूध पीते हो, मीट जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए, और बाकी नट्स जैसे अखरोट खा लिए, बादाम खा लिए, काजू खा लिए, ये सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैट्स होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। एक्स्ट्रा फैट, एक्सक्यूज मी मैम, स्टोर्ड अंडर द स्किन। हाँ, एक्स्ट्रा फैट, ये देखो यहाँ लिखा है ना, सेम लाइन आपकी आ गई। एक्स्ट्रा फैट इन द बॉडी गेट्स स्टोर्ड अंडर द स्किन। हमें जितना हमारी बॉडी के लिए चाहिए उतना, ठीक है, जो हम उससे ज्यादा अगर फैट्स ले लेते हैं तो वो क्या होने लग जाता है? हमारी स्किन के ऊपर कवर होने लग जाता है, उसके स्किन के ऊपर स्टोर होने लग जाता है। इट कीप्स अस आवर बॉडी वार्म, इससे हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट रीड करो। वी नीड टू मेक श्योर दैट वी ईट द राइट अमाउंट ऑफ फैट्स, स्टोरेज ऑफ द फैट इज स्टोरेज, स्टोरेज। ध्यान से पढ़ो जय, देखो आप एज को एंड पढ़ रही हो, एज स्टोरेज ऑफ फैट इन एक्सेस इन द बॉडी। अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा फैट स्टोर हो गया तो आप क्या हो जाओगे? ओबीज हो जाओगे। ओबीज मतलब फैटी। जो लोग मोटे होते हैं वो मतलब वो बहुत ज्यादा फैट्स खाते हैं, मतलब वो बहुत ज्यादा बटर खाते हैं, बहुत ज्यादा घी खाते हैं, बहुत ज्यादा मिल्क पीते हैं और बहुत ज्यादा चीज खाते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर बॉडी के अंदर ज्यादा फैट जमा हो जाते हैं और वो मोटे लगने लग जाते हैं। ठीक है, तो हमें राइट अमाउंट ऑफ फैट्स खाने चाहिए, एक्सेस में फैट्स नहीं खाने चाहिए। ठीक है, आगे चलो। प्रोटीन्स, ललित विल यू रीड प्रोटीन्स? प्रोटीन्स आर गुड फॉर द बॉडी एज दे हेल्प द बॉडी ग्रोज एंड ब्लड द रिपेयर सेल्स, सेल्स। प्रोटीन्स आर गुड फॉर द बॉडी, जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। क्यों? As they help the body grow, क्योंकि वो हमारी बॉडी को ग्रो होने में मदद करते हैं, एंड बिल्ड एंड रिपेयर सेल्स, और हमारे जो सेल्स हैं, सेल्स बनाने में और जो खराब हो चुके हैं उनको रिपेयर करने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे। प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्ड बिल्डिंग फूड। हाँ, इसलिए क्योंकि वो हमारी ललित रुको,
क्योंकि हमारी वो बॉडी बनाने के लिए हेल्प करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। हमने पहले पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, फैट्स को भी बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, आगे यू कैन हैव इनफ प्रोटीन्स बाय ईटिंग देन मीट और चिकन। रुको, हमें हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन मिल सकता है, हमें हमारी बॉडी के अंदर जितना प्रोटीन चाहिए होता है वो हमें मिल सकता है। क्या लिखे यहाँ पे, ईटिंग लीन मीट और चिकन, जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए लिखा है कि आप अगर मीट या चिकन खाते हैं तो आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलता है। बट ये जरूरी नहीं है कि प्रोटीन सिर्फ नॉन वेज से ही मिलता है, अगर आप दालें खाते हैं, पल्सेस खाते हैं, तो उनसे भी आपको बहुत मात्रा में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, ईटिंग एट लास्ट टू सर्विंग ऑफ फिश ए वीक। एट लीस्ट लिखा है, लेट मी लिखा यहाँ पे, ईटिंग एट लीस्ट टू सर्विंग ऑफ फिश अ वीक। इसमें इन्होंने लिखा है कि अगर हम दो बार हफ्ते में दो बार फिश खाते हैं तो भी हमें प्रोटीन मिलता है। बट फिर अगेन आई विल से कि हमें जरूरी नहीं है कि हम नॉन वेज ही खाएं, फिश और मीट ही खाएं, हमें जरूरी नहीं कि हमें सारे प्रोटीन उसी से मिलेंगे, हमें पनीर से, चीज से, ग्राम से और दालों से बहुत प्रोटीन मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन, हैविंग बैंड्स ऑफ पल्सेस। बैंड्स नहीं है, ये बीन्स है, बीन्स। Having beans or pulses, अगर आप beans खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं या दालें खाते हैं, pulses मतलब दालें, beans मतलब सोयाबीन, अगर आप खाते हैं तो उनसे आपको बहुत ज्यादा मात्रा में हमें proteins मिल सकते हैं। तो आपको daily क्या खानी चाहिए, दालें और सोयाबीन खानी चाहिए। ठीक है, आपकी diet में दाल और सोयाबीन होनी चाहिए। ठीक है, next रूही आप read करो आगे। रीड करो। मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क, चीज, पनीर एक्सेट्रा आर रिच इन प्रोटीन्स। हाँ, अगर हम मिल्क पीते हैं, चीज खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो इनसे क्या होते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, beans, pulses, peas, mushrooms, tofu and nuts are also good sources of proteins. हाँ, beans मतलब सोयाबीन, दालें और मटर, मशरूम और टोफू क्या होता है, टोफू भी काइंड ऑफ चीज होता है, पनीर की तरह होता है टोफू भी, तो और या फिर नट्स, अगर आप क्या कहते हैं, बादाम और अखरोट वगैरह चीजें खाते हैं तो इनके अंदर भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, सोयाबीन इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन। हाँ, सोयाबीन क्या है, प्लांट से मिलने वाला सबसे ज्यादा रिच, सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किसमें पाया जाता है, सोयाबीन में। अगर हम प्लांट्स की बात करें, वेजिटेरियंस की बात करें, तो सोयाबीन में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, आगे विटामिन एंड मिनरल्स। Vitamin and minerals are needed in small quantities. Vitamin and mineral are needed in small quantities. हमारी बॉडी के अंदर विटामिन और मिनरल जो है वो बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। आगे, this do not provide any energy. इनसे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। This help us fight and protect ourselves from disease. हाँ, तो इनसे हमें किस चीज में मदद मिलती है, इनसे हमें कोई एनर्जी तो नहीं मिलती है, तो इनसे हमें किस चीज में मदद मिलती है कि हम अपने आप को डिजीज से बचा कर रखें या फिर हम डिजीज से लड़ सकें। तो हमें मदद किस लिए मिलती है कि हमारे अगर कोई बीमारी आ गई, फॉर एग्जाम्पल हमें कोल्ड हो गया, कफ हो गई, तो विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, उस डिजीज को फाइट करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, सो दिस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है प्रोटेक्टिव फूड, कि ये हमारी रक्षा करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब रक्षा करना, ये हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, दिस आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर बोन्स, टीथ, गम्स एंड आई हेल्दी। और इनसे क्या होते हैं, विटामिन और मिनरल से हमारी बोन्स हेल्दी रहती हैं, दांत और गम्स और
आईज हमारी हेल्दी रहते हैं. गम्स क्या होते हैं? डू यू नो व्हाट आर गम्स? गम्स क्या होते हैं? गम्स गम हाँ, जो हमारे दांत हैं. दांत किससे अटैच है हमारे मुंह से? दैट आर गम्स. ऊपर का जो ये वाली हाँ हाँ जो हाँ अंदर जो फ्लैश होता है ना, जिससे हमारे जो दांत है वो अटैच है हमारे माउथ के साथ, दैट आर गम्स. ठीक है, तो इनसे हमारे बोन्स, टीथ, गम्स और आई सारे हेल्दी रहते हैं. ठीक है. विटामिन एंड मिनरल्स आर फाउंड इन फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स. विटामिन और मिनरल हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट. अगर हम ताजी सब्जियां और ताजे फल खाते हैं तो हमें उनसे विटामिन और मिनरल मिलते हैं. ठीक है. विटामिन कैन बी क्लासिफाइड एज क्लासिफाइड रुको विटामिन कैन बी क्लासिफाइड एज विटामिन क्लासिफाइड मतलब उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं. कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? आगे क्या है? वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल. वंदना आगे रीड करो. विटामिन्स कैन बी क्लासिफाइड एज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स. विटामिन्स बी एंड सी आर सोल्यूबल इन सोल्यूबल सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल विटामिन्स मतलब ऐसे विटामिन जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं. सोल्यूबल हमने पढ़े थे ना, फोर्थ क्लास में ही पढ़ा था हमने. सोल्यूबल्स क्या होते हैं? जो कि पानी में मिक्स हो जाते हैं. जैसे हम फॉर एग्जांपल हमने सॉल्ट का रीड किया था फोर्थ क्लास में. सॉल्ट को पानी में डाला तो वो मिक्स हो जाता है ना. अगर सैंड को डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगी? नहीं होगी ना. तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हमारे? विटामिन बी और विटामिन सी. और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन. फैट सोल्यूबल A are fat soluble vitamins. Vitamin A, D, E and K are fat soluble vitamins. ऐसे विटामिन जो कि फैट्स में मिक्स हो जाते हैं. जब हम कोई खाना खाते हैं, जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर एनर्जी जा रही है तो उसके अंदर जो मिक्स हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन. ठीक है, आगे. You can have enough vitamins and minerals by drinking a glass of pure fruit juice with breakfast. हमें vitamins, रुको, हमें vitamins कैसे मिल सकते हैं? अभी इन्होंने बताया कि हमें vitamins कहाँ से मिलेंगे, minerals कहाँ से मिलेंगे? Drinking a glass of pure fruit juice with breakfast. अगर आप fruit का juice पीते हैं breakfast में तो उससे हमें vitamins और minerals मिल सकते हैं. ठीक है, next. Eating fruits rather than sweets as a snack. Snack, snack नहीं है ये, snack है. फ्रूट्स, जब आपको कुछ मीठा खाने का दिल करता है तो उस टाइम पे कुछ स्वीट्स खाने की बजाय, कुछ मिठाई खाने की बजाय आप फ्रूट्स तो खाते हैं तो आप आपके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स चले जाते हैं. ठीक है. Having a fruit salad for dessert. सैलेड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सैलेड लिखा हुआ है बेटे, ध्यान से पढ़ो. हैविंग अ फ्रूट सैलेड फॉर डेजर्ट. हैविंग अ फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड मतलब आप फ्रूट्स को, अलग अलग फ्रूट्स को काट लेते हैं और उनको सलाद की तरह रेडी कर लेते हैं और उसको खाते हैं तो वो भी आपका आपके अंदर क्या लेके जाता है? विटामिन और मिनरल. ठीक है, नेक्स्ट. ईटिंग टू सर्विंग्स ऑफ वेजिटेबल्स और सलाद फॉर योर इवनिंग मील. सलाद हम हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम सैलेड बोलते हैं. ईटिंग टू सर्विंग ऑफ वेजिटेबल और सैलेड फॉर इवनिंग मील. जब आप रात को खाना खाते हैं, अगर रात को खाने के टाइम या शाम के खाने के टाइम अगर आप वेजिटेबल्स या सैलेड खा लेते हैं, कच्ची वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल कुकुम्बर खा लिया या फिर कॉलीफ्लावर, कैबेज, कॉलीफ्लावर नहीं कैबेज, या फिर और ककड़ी होती है, इस तरह की जो वेजिटेबल्स होती है अगर आप उनको खाते हैं तो इससे भी आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स जाते हैं. ठीक है, समझ आया इतना आपको? हाँ.